मैंने बहुत बार अपने संबंध के बारे में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक ही तो कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था, एक कारण यह भी था कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भत्सरना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में यह शंका थी कि वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह शंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं, तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, संभवतः उसमें उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भत्सरना की, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं जानता था कि मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने आप को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं मुझ में है, मैं खुद को बदलूं तो सुखी हो सकता हूं। परंतु ना तो मैं खुद को बदल सका ना सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान भी बहुत मिला। जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, मगर मैं फिर भी सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वो वातावरण और जीवन पर्याप्त हो सकता था, परंतु मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस कार्यक्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है, और उस विशाल से पीछे हटाया हूं जिस विशाल पर मुझे रहना चाहिए था। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तब तब यह अनुभूति मुझे सहलाती कि मैं उस विशाल से पीछे हटाया हूं। बार बार अपने आप को आश्वासन दिलाता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और दोनों कार्यक्षेत्रों में स्वयं को बराबर रूप में बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता चलता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी नहीं आया, और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया। मैं वो व्यक्ति नहीं जिसका उस विशाल के साथ कोई भी संबंध है।